महाफैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है महाराष्ट्र के महासंग्राम को लेकर, जिसमें साफ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले में कि अब बीजेपी को फ्लोर टेस्ट साबित करना होगा, बहुमत साबित करना होगा, जहां पर 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है और वक्त दिया है कल शाम 5 बजे तक का। तो कल शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट यहां पर होगा, जहां पर बीजेपी को अपना बहुमत साबित करना होगा, लेकिन यह मतदान गुप्त नहीं होगा। यह भी यहां पर शर्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखी गई है कि इसमें उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल नकारा, और आपको इस बात से अपने आप का एक संदेश और संकेत है कि कौन ये सब दलील कर रहा था, हमारे विरोधी। इसका मतलब क्या है, किस चोर की गाड़ी दाढ़ी में कौन सा तिनका था, कौन चाहता है विलंब। नंबर 2, इसमें एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं समझता हूँ जब भी नई सरकार बनती है उसका जो भी रंग है उस पर वो कानूनी कार्रवाई कर सकती है। मैं नहीं समझता कि 75 वर्ष भारत में या 72 वर्ष भारत में कभी पहले ऐसा हुआ है कि संवैधानिक पदाधिकारी, जो अपने आप को उप मुख्यमंत्री कहते हैं और जो अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हैं, और मैं तो ये कहूँगा स्पष्ट के राज्यपाल का पद भी, एक ऐसी सूची पे जिसमें न कोई कवरिंग लेटर है, न कोई शुरुआत का पैराग्राफ है, एक MLA ने नहीं कहा है, लिखित एक MLA ने कि हम जा रहे हैं इन हस्ताक्षरों के आधार पर सरकार बनाने बीजेपी के साथ, उसके आधार पर किस बेशर्मी से एक व्यक्ति जाकर घोषणा करते हैं, ये अपने आप में एक अनूठी कथा है। ये न कर्नाटक में थी, ये न मणिपुर में थी, न गोवा में थी, न अरुणाचल में थी, न उत्तराखंड में थी। ये हमारे नैतिकता को और हमारे संवैधानिक मूल्यों की सबसे नीचे पाताल वाला स्तर है, और ये सब हुआ है बीजेपी जो आपको इतने उपदेश देती है।